आपका स्वागत है। अभी जैसा कि आप लोगों ने वापस आरएस के इंटरव्यू के बारे में जो खबरें आ रही है और शेड्यूल भी आप लोगों का जल्दी आने वाला है, तो इंटरव्यू वापस शुरू होने वाले हैं और ईश्वर करे कि इस बार जो है आपके ये प्रोसेस पूरा हो जाए और आप लोग जितना इंतज़ार कर रहे हो वो इंतज़ार जो है वो आप लोगों का समाप्त हो। तो अभी जो साक्षात्कार हुए लगभग 1200 लोगों के, उन साक्षात्कार में किस तरह की चीज़ें पूछी गई और आगे भी जो साक्षात्कार होंगे उनमें क्या क्या चीज़ें आपकी आ सकती है और जो जिन लोगों के विषय रहे हैं तो उनसे क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके बारे में हम आज जो है डिस्कशन करेंगे। आप लोगों ने जैसे पहले हमने बताया भी था, मॉक भी अपन ले रहे थे और मैंने कहा था आप लोगों को कि काउंटर क्वेश्चन होते हैं, एक पे एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, आपने जवाब दिया तो भी, और कई बार जो है व्यंग्य के तौर पर भी पूछा जाता है आपसे और ऐसे प्रश्न होते हैं वहाँ। जैसे हम मॉक में आप लोगों को पूछ रहे थे वैसे, जैसे किसी का था कि साइंस छोड़ के आर्ट्स क्यों ली, आसानी से पास हो जाओगे इसलिए ली होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये एक नॉर्मल कॉमन सेंस की चीज़ें होती है जो हर आदमी बात करता है तो पूछता है। तो आप लोगों को इन चीज़ों के लिए मेंटली तैयार रहना है आप लोगों को, और जो प्रश्न के ऊपर जो काउंटर क्वेश्चंस होते हैं आपके उनसे संबंधित चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसलिए जितना उतना बोला जाए, जितना आप जिस चीज़ के बारे में जानते हो उतना ही आपको वहाँ बोलना है और जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हो तो उसके बारे में नहीं बोलना है। तो दो चीज़ें तो आपके महत्वपूर्ण ये थी। फिर आपके जो साक्षात्कार में अभी जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न, और बीच में मैंने कई बार इंटरव्यू जब मॉक ले रहे थे तो ये भी पूछा था कि आपका जो अब तक इंटरव्यू हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है, आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाए या नहीं ले जाए। तो कईयों ने कहा कि सर तो बीच में फीडबैक लेते, वो फीडबैक नहीं था वो इंटरव्यू ही था। और अभी वहाँ पे भी आयोग में भी आपको इसी तरह से कई कैंडिडेट से प्रश्न जो है वो पूछे गए कि भाई आप अपने इंटरव्यू से सेटिस्फाई हो या नहीं हो। तो वहाँ बताना आपको कि भाई मैं मेरी तरफ से तो मैंने पूरा प्रयास किया और मैं उससे सर संतुष्ट हूँ। फिर जो भी है वो माननीय बोर्ड है वो तय करेगा कि मेरा परफॉर्मेंस कैसी रही। तो इस तरह से एक आपको विनम्र तरीके से चीज़ें वहाँ बतानी है। फिर जो दूसरा मुद्दा, एक और मुद्दा जो आपके साक्षात्कार को लेकर अभी जो चीज़ें चल रही थी जिनके बारे में हमें ध्यान रखना, वो ये है कि जैसे मैंने भी मॉक लिया था तब बीच में चाय पी रहे थे हम लोग, बात कर रहे थे, फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो वहाँ पे भी आप लोगों ने जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर भी ऐसे ही होता है। इंटरव्यू आप उनका लेने नहीं जा रहे हो, इंटरव्यू वो आपका ले रहे हैं, तो गंभीर आपको होना है उनको नहीं होना है, बोर्ड मेंबरों को, वो अपने हिसाब से ही रहेंगे। आप उनको नहीं कह सकते हो कि आप ऐसे कैसे बैठे हो, ठीक है। कई लोग जो शिकायत, तो हमने आप लोगों को जिनका मॉक लिए थे इस तरीके से तैयार किया था कि ये चीज़ें नॉर्मली होती है और उसके हिसाब से आपको तैयार रहना है। तो आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है तो उन चीज़ों के लिए तैयार रहना ही है। तो साक्षात्कार का अर्थ ही तो यही हुआ ना कि अप्रत्याशित परिस्थितियों में आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। फिर मैंने जो आपको समस्याओं वाले जो 3 वीडियो अपन ने चैनल पे डाल रखे हैं, राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान की क्या समस्या है, पूर्व की क्या है, दक्षिण पूर्व की क्या है, दक्षिणी राजस्थान, मध्य राजस्थान की, जिले की और जिले की सबसे प्रमुख समस्या क्या है, ये प्रश्न आप सभी से जिन्होंने साक्षात्कार दिया लगभग लगभग हर व्यक्ति से पूछे हैं। कईयों को जिले के बारे में नहीं पूछे हैं तो वो खुश हो रहे हैं कि जिले के बारे में तो पूछते नहीं। अरे तो तुम्हें एक दो को नहीं पूछा, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि सभी को नहीं पूछा है, 1200 लोगों को ही नहीं पूछा है। हो सकता है कईयों को नहीं पूछा होगा, कईयों ने ज़्यादा जोश में बताया होगा कि मैं ये हूँ या ये इसलिए जिला प्रसिद्ध है, तो उन्होंने कहा इसने जिला रट के आया है इसको क्या पूछना, दूसरा पूछो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी से चीज़ें नहीं की गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक सामान्य नियम है वो बना लिया। आपको अपने क्षेत्र विशेष से प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं, वो जिला आपसे नहीं पूछते हैं लेकिन फिर भी वो बातों बातों में चीज़ें आ जाती है और उसके बारे में आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अब जिनके इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान ये सब्जेक्ट है और उनसे किस तरह की जो चीज़ें पूछी जा सकती है आगे भी उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो करंट जो भी टॉपिक है अभी तक जितने भी है, कोरोना इससे रिलेटेड,
वैक्सीन वगैरह, वैक्सीन प्रोग्राम, वैक्सीन नीतियाँ, इनसे संबंधित सारी चीज़ों के लिए तो तैयार है नहीं है। इसराइल फिलिस्तीन का जो मुद्दा था, अभी करंट इवेंट जो वर्ल्ड रिलेटेड आपके वर्ल्ड अफेयर्स है, नेशनल इवेंट्स है, उनके बारे में भी आपको पूछेंगे, और जो स्टेट में जो चीज़ें चल रही है, चाहे राजनीतिक घटनाक्रम हो, आर्थिक हो, या आपके कोई सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हो, तो वो सारे मुद्दे जो है साक्षात्कार में अभी भी पूछेंगे। फिर जिनके विषय रहे हैं, ग्रेजुएशन की है या पीजी जिन्होंने की है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में, तो उनसे क्या प्रश्न हो सकते हैं वो भी आप लोगों ने देखे होंगे, और आगे भी इसी तरह के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे किसी का इतिहास विषय है आप में से, तो उसको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। अगर आपका इतिहास विषय है तो आपको पहले तो परिभाषा, इतिहास कहाँ से कैसे शुरू हुआ, फिर इतिहास का दर्शन क्या है उसके बारे में पूछा जा सकता है। इतिहास दर्शन जो आप पीजी करते हो, पीएचडी करते हो, तो आप पढ़ते हो तो उसके बारे में, फिर आपके इतिहास लेखन के बारे में क्या धाराएं रही इतिहास लेखन की, भारत में किस प्रकार इतिहास लिखा गया, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक और वर्तमान में किस तरह का इतिहास लेखन की जो धाराएं हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया भी है और आगे भी पूछा जाएगा। तो एक तो जो मुद्दा है वो आपके इतिहास क्या है और इनसे संबंधित जो सारी बातें हैं उसके लिए आपको तैयार रहना है। फिर आप प्राचीन भारत पढ़ते हो तो आपको इतिहास का एक तो काल क्रम जो है वो पूछेंगे, समय कैसे प्राचीन मध्य आधुनिक किस तरह से है, किसने इनका विभाजित किया और क्या क्या इसमें बातें है। प्राचीन भारत जो है आपके, इसमें पूछेंगे कि आप किसको महान शासक मानते हो, आदर्श शासक आपका कौन है, जैसे अशोक बोलते हैं हर कोई, किसे महान शासक मानते हो या आदर्श शासक आपका कौन है और क्यों है, कौन से ही काम नहीं चलेगा, फिर आपको बताना है कि वो आदर्श क्यों है। अशोक और अकबर की तुलना कर दी कि दोनों में से कौन महान है, आप किसे ज़्यादा महान मानते हो और क्यों मानते हो, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके पूछी जा सकती है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन क्यों कहते हैं, समुद्रगुप्त और नेपोलियन की क्या तुलना है, इस तरह की चीज़ें आपके। हर्षवर्धन क्या वास्तव में अंतिम हिंदू शासक था, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके, जहाँ पे आपको अपना माइंड अप्लाई करना है, वो रटी रटाई नहीं, वो चीज़ें ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में, उनके बारे में आपको पूछ लिया, इसमें भी आपको जो दर्शन है, शिक्षा, इनसे उनके जीवन परिचय से ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको दर्शन और शिक्षा के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो प्राचीन भारत है उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है वो आपके हो सकते हैं, कि कौन सा युग भारत का प्राचीन काल में स्वर्ण युग था, क्या गुप्त युग स्वर्ण युग था, और नहीं था तो किस किस मामले में नहीं था और क्यों नहीं था, क्लासिकल एज थी या नहीं थी, गुप्त काल, तो इस तरह के प्रश्न आपके हो सकते हैं। आर्य भारत से बाहर से आए थे या भारत से बाहर गए थे, इस तरह की चीज़ें भी, जहाँ पे इतिहास में जो नई चीज़ें चल रही है वो आपके इस तरह के प्रश्न वहाँ हो सकते हैं। तो एक जो मुद्दा है वो आपके ये। फिर कुछ चित्रकला के बारे में बेसिक जानकारी, कौन सी थी, कहाँ थी, आर्ट एंड कल्चर से जो बेसिक जानकारी है जो आपको आनी चाहिए, आपने अगर इतिहास पढ़ा है, इतिहास नहीं भी पढ़ा है, आपने जीएस पढ़ा है, जीके पढ़ा है, तो भी जो आनी चाहिए वो आपसे पूछी जा सकती है। तो इस तरह से कुछ जो प्रश्नों का खाका है हिस्ट्री वालों के लिए वो आपके ये है। फिर मध्यकाल में आपको इसी तरह की कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं आपके, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, बाजार नियंत्रण और विजय अभियान, फिर मोहम्मद तुगलक की नीतियाँ आपके किस प्रकार की थी, क्या वो पागल था, पागल बादशाह था, तो इस तरह के जहाँ पे उनको आपके कॉन्सेप्ट जो इतिहास के क्लियर आपके है या नहीं, उनसे जो संबंधित बातें हैं उनके बारे में जानकारी आपसे पूछते हैं। फिर बाबर भारती क्यों आया, दूसरी जगह क्यों नहीं गया,
तो आप वो बाबर के बारे में पूछ सकते हैं, ऐसी क्या समस्याएं थी कि उसको वहां से आना पड़ा, जगह छोड़नी पड़ी। फिर अकबर की जो नीतियाँ आपके सुलह कुल की नीति, राजपूत नीति, तो इसमें आपके सुलह कुल या धार्मिक नीति, दीन इलाही के बारे में आपको, उसके स्वरूप के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे अशोक का धम्म नैतिक संहिता थी, तो दीन इलाही भी एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था। इनके बारे में, इनमें क्या अंतर है, इस तरह से चीज़ें आपको जोड़कर पूछी जा सकती है। फिर आपके राजपूत नीति, इसके बारे में आपको पूछते हैं, या प्रशासन मनसबदारी क्या थी और क्या सिस्टम था, ये दयशाला प्रणाली क्या थी। इसलिए इसी तरह भूमि राजस्व में शेरशाह के, अलाउद्दीन के और अकबर की तुलना करो आप, इन्होंने जो भू राजस्व नीति लागू की उसमें क्या अंतर है आपके। तो ये कुछ मुद्दे हैं वहाँ पे। फिर औरंगजेब के बारे में कि वो धर्मांध शासक था या नहीं था, धर्मांध शासक था या नहीं था। तो औरंगजेब की जो मराठा और राजपूत नीति है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। इसी तरह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो संघर्ष है उसमें आपको पूछ सकते हैं कि कौन ज़्यादा राष्ट्रीय शासक था, या कौन ज़्यादा देशभक्त थे या स्वामी भक्त थे, या कौन ज़्यादा साहसी थे, या जिनका दृष्टिकोण किसका ज़्यादा व्यापक था। इस तरह से तुलना के तौर पर वो चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। तो इस तरह की जो चीज़ है वो आपको थोड़ा बहुत मध्यकाल के बारे में क्लियर रखना है, मध्यकालीन इतिहास लेखन के बारे में पूछ सकते हैं, और जो आपके मध्यकाल को अंधकार युग क्यों, किस आशय से बोला जाता है, क्या पीछे इनका ऑब्जेक्टिव रहा था जो अपने वैसे इतिहासकार थे, तो इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपके ये आती है। तो एक तरह से ये तुलनात्मक जो बड़े शासक हैं उनके बारे में आपको पूछ सकते हैं। कुछ विजयनगर के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत एक बार ध्यान रखना है। आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपके पूरी पूछी जा सकती है। तो बेसिक जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 की क्रांति और हमारा पुनर्जागरण, इनसे संबंधित मुद्दे। इसमें भी गांधी जी के विचार आपके, गांधी जी बनाम अंबेडकर, इनके बीच क्या विवाद के मुद्दे थे, इनके विचारों में क्या अंतर है, गांधी जी बनाम सुभाष बोस, इनके विचारों में क्या अंतर, इनकी जो आपके विचार है उनकी तुलना के बारे में जो है वो प्रश्न आपके बनते हैं। तो इस तरह से जो है राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धाराएं, उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी चरण, और कांग्रेस की स्थापना क्या थी, क्यों की गई थी, इस तरह के भी प्रश्न है। जहाँ पे मैंने कहा आपको, जहाँ आप से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर आपके है या नहीं, यह चीज़ निकालने वाली जो मुद्दे हैं वो आपसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही, भगत सिंह वगैरह की, और गांधी इरविन समझौता क्यों विवादित रहा है, इस तरह से जो बातें हैं एक आपसे वो आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके, फिर नेहरू जी की विदेश नीति और मोदी जी की विदेश नीति, इनमें क्या अंतर है, इनके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। इन दोनों के योगदान, कंट्रीब्यूशन जो है उसकी तुलना करने के बारे में आपको पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो मुद्दे हैं वो आज़ादी के बाद से भी विदेश नीति निर्माण और उससे संबंधित बातें भी आपके थोड़ी बहुत हिस्ट्री में पूछी जा सकती है। विश्व इतिहास में आपको ज़्यादा जो आधुनिक समकालीन है उससे पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। शीत युद्ध है, दोनों विश्व युद्ध है, उनके क्या परिणाम रहे, क्या भूमिका रही, क्या कारण रहे, और उन विश्व युद्धों के बाद की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, कोल्ड वार की, शीत युद्ध, नव शीत युद्ध, सोवियत संघ का विभाजन, और ये सारी चीज़ें, पुरानी जो चीज़ें वो कम पूछी जाती है, पुनर्जागरण, धर्म सुधार वगैरह जो है वो आपके। तो जो 20वीं जो आपकी सदी का पूरा जो विश्व इतिहास है वो आपके पूछा जा सकता है, जिसको हम कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्री कहते हैं, समकालीन जो इतिहास है वो आपके। तो ये इस तरह से आप अगर तैयार कर लेते हो थोड़ा बहुत इतिहास को, इन मुद्दों पर अपनी एक थोड़ी सी धारणा बना लेते हो, अभी भी टाइम है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आपका जो पीजी का जो सब्जेक्ट है उसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो सकते हो, कुछ भी पूछे। और कई बार वो पूछते हैं कि आपको, और इस बार भी पूछा ही है जो हम इंटरव्यू में पूछ रहे थे कि आप बताओ आपसे क्या पूछा जाए, तो आपको फिर कोई पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट या टॉपिक बताते हो तो उसके बारे में बिल्कुल पूरा तैयार आपके दिमाग में वो होना चाहिए,
वही आपको वहाँ बताना चाहिए कि हाँ इसके बारे में सर मेरी थोड़ी बहुत जानकारी मैंने इकट्ठी की है और मुझे जानकारी है तो पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको एक पोलाइटली तरीके से और अपनी जो वास्तव में जो कैपेसिटी या काबिलियत है उसको दिमाग में रखते हुए उसका बोलना है ताकि उस हिसाब से आपको पूछे। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हमने इतिहास वालों के लिए देखी, इसी तरह आपके जिनके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है आपके पीजी वगैरह में ग्रेजुएशन में, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग वगैरह पूछते हैं से संबंधित बातें, आपके सिद्धांत कौन सा मत आप सही मानते हो, बिग बैंग थ्योरी क्या है, इनके बारे में आपको कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट जो अभी चल रहे हैं, एक बोसोन क्या है, आपके गॉड पार्टिकल क्या है, उससे हम यूनिवर्स और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की किस तरह से व्याख्या करते हैं, तो इस तरह के कुछ बेसिक चीज़ें हैं। फिर भूकंप ज्वालामुखी के परिणाम प्रभाव अगर कहीं आया है अभी रिसेंट में, ज्वालामुखी घटना हुई है या भूकंप हुआ है या कोई प्राकृतिक आपदाएं और हुई हो आपके, डिजास्टर मैनेजमेंट और इनके बारे में, जैसे कोरोना है, आपदा प्रबंधन अधिनियम है, तो ये आपकी चीज़ें ध्यान रखनी है। SDRF NDRF इनके बारे में क्या काम करती है, किस तरह से वो कार्य करती है, तो नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है इसमें। फिर जैसे टोपोग्राफी वगैरह इस्तेमाल करती है, ये कम पूछते हैं आपको, जो बेसिक जो सारी चीज़ें अभी जो चल रही है, जो चीज़ें ध्यान में आ जाती है या जो न्यूज़ में कहीं ना कहीं चीज़ें चलती रहती है उनके बारे में ज़्यादा पूछने की संभावना है। फिर इसी तरह आपके वर्षण, वर्षा कैसे होती है, क्या चीज़ क्या प्रक्रिया है, आपके तापमान ऊष्मा बजट सौर्य ताप क्या होता है, तापमान व सौर्य ताप में अंतर क्या है, तो ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं आपके वो पूछ सकते हैं। कोपेन थॉर्नवेट ने किस आधार पर उनके जलवायु वर्गीकरण में क्या अंतर है कोपेन और थॉर्नवेट के, बेसिक अंतर क्या है, तो आपके इस तरह, तो बेसिक ऊपरी तौर पर वो बादल कैसे बनते हैं, बादलों के प्रकार बताओ आप, ऊपर से हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो बादलों के किस किस तरह से वो बदलते हैं, कौन से बादल पहले आते हैं, तो एक सामान्य जो चीज़ है चक्रवात क्यों आते हैं, जैसे अभी चक्रवात साइक्लोन चल रहे हैं तो इनके बारे में कैसे नामकरण होता है, वो तो सभी को ही पढ़ना, जिनके ज्योग्राफी नहीं है उन लोगों को भी, तो आपके इनसे भी रिलेटेड चीज़ें, चक्रवातों में आपके उष्ण और ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों के बारे में, और पश्चिमी विक्षोभ वगैरह इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपके, इसी तरह महासागरीय जल धाराएं ज्वार भाटे ग्रहण कैसे लगता है, जो बेसिक आपकी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके पूछ सकते हैं। तो ये ज्योग्राफी में जो है वो आपके, अगर आपने ज्योग्राफी में और ज़्यादा PhD वगैरह कर रखी है, प्रोफेसर है, तो फिर आपको मानव भूगोल विचारक वो सारी चीज़ें भी आ जाती है, कार्टोग्राफी की भी बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन जिन्होंने MA तक ज्योग्राफी पढ़ा है तो उनसे बेसिक चीज़ें ये, फिर राजस्थान और भारत के भूगोल की जो बेसिक चीज़ें हैं, फिजिकल डिवीज़न, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, पर्वत कैसे बनते हैं, अरावली कितनी पुरानी है, किस युग में बनी, कौन कौन से युग है पर्वत निर्माण के, तो आपको जो जैसे मेंस में पूछा गया था वैसे बेसिक जो जानकारी है वो, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन सा सिद्धांत ज़्यादा सटीक है, आप क्या मानते हो, अल नीनो कैसे मानसून को प्रभावित करती है, तो नई आजकल जो इंटरव्यू में बैठते हैं वो भी अपडेट रहते हैं, मेडन जूलियन दोलन का क्या प्रभाव पड़ता है मानसून पे, यहाँ तक उनको पता है, आप ये मत सोचना कि हम ही ज्ञानी हैं, वो लोग उनको नहीं आता, सब पढ़ते हैं, वो भी पेपर पढ़ते हैं और सारी चीज़ें अपडेट रहते हैं, लोग सभी लोग अपडेट रहते हैं, जैसे हम रहते हैं वैसे बाकी अधिकारी हैं वो भी रहते हैं, तो वो इनसे रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं। तो आपको जैसे क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, मानसून का ओरिजन है, उत्पत्ति है, उसके सिद्धांत है, इनके बारे में तो बिल्कुल आपको नॉलेज होना ही चाहिए, नहीं तो फिर पूछेंगे क्या आपको, आपका सब्जेक्ट है PG में, अब आपको ये तो पूछने चले भारत की लोकेशन क्या है, अब अक्षांश देशांतर बताओ, आपने अगर जियोग्राफी में PG कर रखी है तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें तो वहाँ पे पूछी ही जाएगी जो भूगोल पढ़ने वाले व्यक्ति को आनी चाहिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह आपके राजनीति विज्ञान है, किसी का सब्जेक्ट
आईआर और पॉलिटिकल साइंस रहा हुआ है, तो आपको राजनीति विज्ञान में जो बेसिक एक तो आपके विचारक है उनके बारे में पूछेंगे आपको, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, लोक, बेंथम, इनके बारे में आपको पूछ लिया, मिल, मार्क्स, तो इनके बारे में इनकी बेसिक थ्योरी या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है। फिर कुछ ऐसी परिभाषाएं जो है जैसे समानता, इक्विलिटी क्या है, सॉवरनिटी क्या है, संप्रभुता क्या है, आपके बंधुता क्या है, स्वतंत्रता की क्या परिभाषाएं हैं, न्याय की क्या अवधारणाएं हैं, तो ये आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके। फिर इंडियन विचारक जो है आपको सारे पूछ सकते हैं, कौटिल्य से लेकर और आपके लास्ट तक राजनीतिक विचारक, जिसमें M.N. रॉय से जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अम्बेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, और इनके जो राजनीतिक विचार है उनके बारे में आपको पूरा तैयार रहना है। तो वो चीज़ें भी आपके भारतीय विचारकों में भी आपको बिल्कुल, अरविंद के क्या विचार है वहाँ तक सारी चीज़ें आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो भारतीय विचारक पूरे और पश्चिमी जो विचारक कुछ खास, और कुछ बेसिक जो राजनीतिक विज्ञान के जो सिद्धांत है और बेसिक अवधारणाएं है वो। फिर आपके संविधान, संविधान की क्या परिभाषा है, संविधानवाद किसे कहते हैं, फिर भारतीय संविधान की तुलना बेसिक अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, इस तरह से। फिर जो निर्वाचन प्रणालियां है राष्ट्रपति की, उनकी तुलना कंटेम्प्रेरी जो आपके जितने भी देशों में जो सिस्टम चल रहा है या जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, तो उनसे एक तुलना करने की जो बात है वो आपसे पूछी जा सकती है। फिर हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट या डिस्प्यूट है जो सुप्रीम कोर्ट में बार बार गए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो केसेज है वो आपको सारे ध्यान रखने हैं, शंकरी प्रसाद से लेकर और आज तक जो चल रहे हैं महत्वपूर्ण जो केसेज है जिनको हम मेंस में पढ़ते हैं, तो उनके बारे में बिल्कुल आप लोगों को रेडी रहना है। फिर कुछ आयोग वगैरह के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं, विदेश नीति कैसे बनती है, नीति निर्माण कैसे होता है विदेश नीति का, और भारत की विदेश नीति के विकास के बारे में, इंदिरा जी की विदेश नीति, नेहरू जी की, मोदी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, राजीव गांधी जी की, इनमें क्या अंतर थे, गुटनिरपेक्षता प्रासंगिक है या नहीं है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, आप क्या भूमिका देखते हो, WHO के बारे में, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो भूमिका रही है उनके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। अभी इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष हुआ उसमें भारत की क्या प्रतिक्रिया थी, इसराइल ने कहा कि इसमें भारत ने हमारा सहयोग नहीं किया तो भारत की क्या मजबूरियां रही है, तो इस तरह की सारी चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहना है, तब जाके हम इन चीज़ों का जवाब दे पाएंगे। ऐसे ही जिनके दूसरे सब्जेक्ट है जैसे समाजशास्त्र है, लोक प्रशासन है, तो बेसिक सिद्धांत विचारक उनकी बातें तो आपको ध्यान रखनी है, और फिर भारत में जो आपके भारतीय समाज उसकी समस्या या भारत में जो प्रशासन है उसका विकास और उसकी जो प्रॉब्लम है उनके बारे में आपको बिल्कुल तैयार रह के जाना है। तो ये बेसिक चीज़ें अगर आप थोड़ी बहुत अभी टाइम है पढ़ लोगे, 2-3 दिन में ये चीज़ें हो जाती है, इतनी बड़ी बात नहीं है आपका अगर विषय है तो, और साथ में करंट राजस्थान का अपना जिला वगैरह क्षेत्र पर्टिकुलर एरिया जैसे पश्चिम पूर्व वो आप ये और जो वीडियो डाल रखे हैं वो भी हेल्पफुल रहेंगे, तो आप इनको अभी देखते जाओ, ज़्यादा अभी मॉक देने की ज़रूरत नहीं है, और मॉक में जो आप लोगों को कैसे उठना बैठना, ये नहीं करना वो नहीं करना, वो तो आप सब समझ गए होंगे, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं थी वहाँ, आप क्या बोलते हो, किस तरह से प्रश्नों का उत्तर देते हो ये महत्वपूर्ण है, और आपकी क्या सोच है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो वो ज़्यादा मायने रखती है, उस पर अभी ज़्यादा ध्यान दो, मॉक वॉक की कहीं कोई अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप जाके साक्षात्कार दो, जो चीज़ होगी वही हो जाएगी, बस कॉन्फिडेंट रहो और जो आपसे पूछा जा रहा है उसका विनम्रतापूर्वक आपको जवाब देना है। थैंक यू।